भैया इससे भी नहीं सुना, आपके कान की सुरक्षा के लिए आया था, मेरा ही कान चला गया। दोनों कान बंद हो गए। आहा, आज तो भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है गाली सुनाने का। अच्छे से सुना देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं तुझे थोड़ी सी गाली सुना देता हूँ बे काले कौवे, पागलों का गुरु, बेवकूफ इंसान, उल्लू का पट्टा, बंदर की हरकत करने वाला काला बंदर। कौन काला बंदर, कौन बेवकूफ इंसान है, किसे काला कौवा कहता है? मैंने तुझे कहा क्या कि मुझे सुनाई नहीं देता? चल भाग, भाग यहाँ से, भाग। छोटे माली के कहने पर सुनाई नहीं देता? सब लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है। सुनो सोनम, मैं पिछली साल आया था तब भी कहा था, उससे पिछली साल आया था तब भी कहा था कि तुम किसी और से शादी कर लो। मैं शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तुम किसी दूसरे से शादी करके खुशी से उसके साथ रहो, नहीं तो पूरी उम्र सोच सोच कर पागल हो जाओगे। आंटी जी, ऐसे ही छुप छुप कर मुझे देखने के लिए आते हैं। सही, हम उससे कितना प्यार करते हैं, वो मुझसे बात करने के लिए यहाँ आते हैं। देखा आंटी जी, मुझसे मिलने के लिए कितने उतावले होते हैं। ये भी सही नहीं है। क्या सही? छोटी मालकिन सुबह बाथरूम में चली जाती हैं, छोटे मालिक रात में बेडरूम में चले जाते हैं, आपस में ही छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। बड़े मालिक से पूछकर दोनों की शादी कर देनी चाहिए। देखो ना आंटी जी, ये पागल क्या कह रहा है? एक अच्छे से स्कूल से पढ़ा हुआ मैं और ये गांव में रहने वाला अनपढ़ मेरी इज्जत तक नहीं करता। कैसे इज्जत करेगा? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं यहाँ फालतू ही तो बैठा हुआ हूँ। अभी बताता हूँ। हेलो, कौन? सिंगापुर वाले सक्सेना बोल रहे हो ना? नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं, अगले हफ्ते अमेरिका आते समय वहाँ से हाल चाल पता करते हुए आऊंगा। नहीं यार, मलेशिया नहीं गया क्योंकि वहाँ पर सुनामी फिनामी का चर्चा सुन रहा था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। अगले महीने यूके का वीसा मिल गया है। फ्रांस से लौटते समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं यार, मैं किस लेवल का आदमी हूँ कुछ लोगों को पता नहीं है ना। हाँ हाँ, तूने जो खरीद कर वो टी शर्ट दी थी ना, अरे उसका प्राइस टैग भी अभी तक नहीं हटाया है मैंने। ठीक है यार, मेरे फोन में सिर्फ 75 रुपए हैं, बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, बाय। नहाने को गर्म पानी करने को बोला था क्या? क्या गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाकर रखा हुआ है, जाकर नहा लो। मैंने जो साबुन बोला था वो लाकर रख दिया क्या? वहीं पर रखा है, जाओ तो सही। ये बनियान बदबू दे रही है, फेंक इसे। मुझे भी नहाने के बाद परफ्यूम लगाने पड़ेगा। जा बेजा, मुझे पहले से शक था कि ये बिना पॉकेट के पैंट में पैसे कहाँ पर रखता है। काले बंदर, पैसे इसके अंदर हैं क्या? अरे क्या चक्कर है, नोट को मोड़ कर अंदर रखा होगा। क्वार्टर के 60 रुपए, खाने के 15 रुपए, पागल ने गिन कर रखे हैं। है ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मुझे पागल बना दिया। मोबाइल तो यहीं पर रखा था, कहाँ गया? है इसी को ढूंढ रहे हो बेईमान आदमी। इसमें 75 रुपीज है बोल रहा था ना, 5 रुपए भी नहीं है। मुंह खोलकर कैसे बोल रहा था, उसी तरह मन भी साफ होना चाहिए। मेरी जबान भले ही खराब है लेकिन मन बहुत साफ है। अबे जंगली गांव के वासी, 75 रुपए के लिए तूने 9000 रुपए का मेरा मोबाइल तोड़ दिया। 75 रुपीज ना रखने वाला तू एक बेईमान, तूने 9000 रुपए देकर एक मोबाइल खरीदा है, बेवकूफ बना रहा है। ये 9000 में खरीदा है, पागल समझता है क्या मेरे को? अरे रमेश, अगर अब तू यहाँ एक मिनट भी रुका तो तूशान घाट का टिकट कटा देंगे। एक काम कर, तुरंत टिकट कराकर शहर भाग चल। इस घर में कितने लोग रहते थे, अब केवल इसमें मान सम्मान ही रह गया है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, तुम्हारी माँ बहुत नाराज हो रही है। अब हम सिर्फ तुम्हारे भरोसे जी रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बदला जा सकता। अंग्रेजों के द्वारा दी गई गुलामी की निशानी है, तुम्हारे लायक यहाँ और कुछ भी नहीं। यहाँ अकाल पड़ा है। आपको यहाँ पर अकाल दिखाई दे रहा है, यहाँ वो सब चीजें हैं जो यहाँ होनी चाहिए। जंगल तो ज्यादा है, पेड़ पौधों का अकाल है, गाय ज्यादा है,
लोग ज्यादा हैं, मगर पानी का अकाल है। पैसे वाले ज्यादा हैं, मगर इस्तेमाल करने वाले कम। खेत ज्यादा है, व्यवसाय भी ज्यादा है, मगर किसान का अकाल है। व्यापारी लोग ज्यादा हैं, पर व्यापार का अकाल है। पुरुष ज्यादा हैं, महिलाएं भी ज्यादा हैं, जवान लोगों का अकाल है। यहाँ घर तो ज्यादा है, रहने वालों का अकाल है। न्याय करने वाले तो ज्यादा हैं, न्याय का अकाल है, फैसले का अकाल है। राजनेता तो ज्यादा हैं, मगर जनता का अकाल है। यहाँ पर हर चीज ज्यादा भी है और अकाल भी यहीं पर है। इन सबको सही कर देने से हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ सकता है, अच्छाई करने की कोई सोचता भी नहीं है। आप एक तरफ ये भी चाहते हैं कि मैं साधारण मनुष्य बनूं, लेकिन साधारण मनुष्य इस संसार के भरोसे जीता है। दादा, ये संसार अच्छे लोगों को मिसाल बनाकर जीता है, और मैं इस संसार के लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। क्या मैं गलत सोचता हूं दादाजी? तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता बेटा। तुमने पढ़ाई तो समाज कल्याण के लिए की है, घर भी इसी देश के अंदर है दादाजी। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता बेटा। मैं भी तो क्या कोई नहीं। मुझे भी शहर लेके चली नांटी। जरा धीरे से बोल, उस पागल को पता चला तो मुझे भी नहीं ले जाएगा। क्यों? अरे तुम शहर आने वाली हो, ये बात मुझे पता है, इसीलिए पीछे पीछे आ जाऊंगी, देखना। चलता हूँ। खुश रहो बेटा। चलती हूँ मैं, संभाल के। वासु, दादाजी का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी तरह से बड़े मालिक का ध्यान रखूंगा। जा रही ना, पीछे ही आ रही हूँ, जाओ। अच्छा हुआ आप मिल गए। आइए, भाग्य में था। आपको कोई भी नहीं हरा सकता। बैठिए, जीते रहो, कोई भी नहीं हरा सकता। बोलिए स्वामी जी, आपका आश्रम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से। क्योंकि हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है, उसको साफ करने के लिए आपके आश्रम में आना पड़ता है। उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ। आश्रम के बगल में एक 50 एकड़ खाली जमीन पड़ी है, अगर आप वो हमें दिलवा देते हैं तो आश्रम के लोगों को रहने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं? अगर मैं आपको भेंट दूंगा तो इसे मैं अपना भाग्य समझूंगा। अभी व्यवस्था करता हूँ। बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सदा खुश रखे। ईश्वर, गाड़ी तैयार करो। वो बच्चा कैसा है, कुछ पता चला बेटा? पता कर लिया, जान को कोई खतरा नहीं है। बाप रे, अब जाकर शांति मिली। बजट बढ़ाते हैं, टिकट के दाम बढ़ाते हैं, लेकिन एक अच्छी बस नहीं निकाल सकते। ये सब पता नहीं कब बदलेगा। हाथ को साफ करने से ही माँ हाथ साफ होता है। सभी लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि देश की भलाई करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो मेरा बेटा क्यों नहीं है ये कोई माँ नहीं सोचती है। अगर ऐसा सोचा होता तो ये देश न जाने कब का सुधर गया होता। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं कमला, आते समय बस का एक्सीडेंट हुआ था। हर बार की तरह मेरा बेटा बस सही नहीं थी, इसीलिए लड़ रहा था। ये अकेला क्या कर सकता है, कहने पे मानता नहीं। वही बात कर रही थी मैं। आप अकेले उनसे कैसे लड़ेंगे, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अकेले ही हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार की थी। अकेले ही विवेकानंद जी की कोशिश के बाद ही इंडिया की सभ्यता के बारे में संसार को पता चला था। दूसरे देशों में भी अकेले स्टालिन, अकेले कार्ल मार्क्स, अकेले नेल्सन मंडेला इस संसार की दिशा को बदलने वाले लोग थे। सब अकेले ही आदमी थे। भैया, ये लड़कियां कभी भी मेरे साथ हाय करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती है। भैया, तू कभी सुधरेगा नहीं क्या? भैया, मैंने क्या गलत किया है? आप आदमियों को मार कर सही करते हो, मैं लड़की के हाथ को अपने गाल पर पड़वाता हूँ, ये कोई गलत है क्या? भैया 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 रुको, एक मिनट रुको, जल्दी में। भैया हुआ, एक बात तो समझ गया। हाँ। आपके और धर्मेंद्र के बोलने में सिर्फ एक अंतर है। वो क्या? वो जबान दबाकर बोलते हैं, आप दांत दबाकर बोलते हैं। हाँ। हमारे मारने के स्टाइल में भी अंतर है। वो क्या भैया? कुछ नहीं, वो हाथ से मारते थे। हाँ, सही। मैं लाश से मारता हूँ। अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे भैया बहुत प्रेशर है, मैं अभी आया। बाप रे, बुजुर्गों ने सही कहा है, गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है, पर इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या पब्लिक करती है, मैं 100 आदमियों के सामने थोड़े ही ना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं तो, यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ कर रहा हूँ तो क्या हुआ? पागल को, अरे छोड़ो, मैं तो कर रहा था, तो मैं सुन लिया। अब तो नीचे,
पब्लिक भैया बचाओ मुझे, बचाओ। पब्लिक के सामने पेशाब करना कितना बड़ा जुर्म है और ये बिना डरे पेशाब किए जा रहा था, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत? वो सब तो तुम ही जानो, ये पर्सनल बात है, तुम लोग तो कानून के हिसाब से काम करो।